दोस्तों आज मैं 10 ऐसे प्लेटफॉर्म्स लेके आया हूँ जिन प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल करके आप अपनी लिखी हुई ईबुक को सेल कर सकते हो। अगर आप ईबुक बनाना चाहते हो तो भी इन प्लेटफॉर्म्स पे आपको ऑप्शन मिल जाते हैं कि वहाँ पे आप ईबुक्स बना सकते हो और उसके बाद उसे पब्लिश कर सकते हो। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए आपको ले चलता हूँ अपने मोबाइल स्क्रीन पर और दिखाता हूँ वो कौन से हैं 10 प्लेटफॉर्म्स जिनकी मदद से आप ईबुक सेल कर सकते हो और ये काफ़ी कमाल के प्लेटफॉर्म्स हैं। तो दोस्तों सबसे पहला प्लेटफॉर्म है उसका नाम है स्क्रिप्ट। script.com की वेबसाइट है, ये देख सकते हैं www.script.com। तो यहाँ पे आप बुक्स को रीड कर सकते हो और साथ ही साथ बुक्स को पब्लिश कर सकते हो। यहाँ पे बहुत सारी ऑडियंस आती है, लगभग 90 मिलियन की ऑडियंस आती है इस प्लेटफॉर्म पे किताब खरीदने और किताब पढ़ने के लिए। तो आप देख सकते हो ये काफ़ी कमाल का प्लेटफॉर्म है। इस पे आपको पेड मेंबरशिप लेनी पड़ती है अगर आप अपने बुक्स को इस प्लेटफॉर्म पे सेल करना चाहते हो, लेकिन यहाँ पे ऑडियंस साइज बहुत बड़ी है इसीलिए आपकी बुक्स की सेल तो डेफिनेटली काफ़ी अच्छी आने वाली है। तो ये एक प्लेटफॉर्म हो जाता है जिसका आप इस्तेमाल कर सकते हो। 30 दिन तक फ्री ट्रायल है तो आप ट्रायल लेके देख सकते हो कि क्या आपकी ईबुक इस प्लेटफॉर्म पे सेल हो रही है। तो ये भी बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म हो सकता है जहाँ पे आप अपनी ईबुक को सेल कर सकते हो, या तो फिर अगर आपकी प्रिंटेड बुक है तो भी आप इस प्लेटफॉर्म पे उसको सेल कर पाओगे। अब इसके बाद आ जाते हैं अगले प्लेटफॉर्म पे। अगले प्लेटफॉर्म का नाम है स्मैश वर्ड्स। तो स्मैश वर्ड्स भी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि स्पेशली बुक्स के लिए बना हुआ है और यहाँ पे कई सारी बुक सेल होती हैं और यहाँ पे आप कई सारी कैटेगरी की बुक्स को पब्लिश कर सकते हो और उन्हें सेल कर सकते हो। तो ये भी काफ़ी सिंपल प्लेटफॉर्म है और यहाँ पे बहुत ही इजीली, यहाँ पे सब कुछ हाउ टू दिया हुआ है। जैसे ही आप अबाउट सेक्शन में यहाँ पे इस सेक्शन पे जाते हो, हाउ टू पब्लिश ऑन स्मैश वर्ड, इस सेक्शन पे क्लिक करते हो तो आपको पूरी डिटेल्स मिल जाएगी किस तरह यहाँ पे आपको बुक्स को पब्लिश करना है, कितना आपको पे आउट मिलेगा और क्या होगा कि अगर आप एक बुक सेल करते हैं तो आपको उस पर कितना रॉयल्टी मिलेगा, सब कुछ सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाती हैं। तो ये भी एक काफ़ी बड़ा प्लेटफॉर्म है जिसका यूज़ करते हैं कई सारे राइटर्स अपनी बुक्स को सेल करने के लिए। चलो तो अब नेक्स्ट पे आ जाते हैं। तो नेक्स्ट हो जाता है पेलोड्स। ये एक पेड प्लेटफॉर्म है और इस पर आप सीधा क्रिएट अकाउंट करके यहाँ पे बुक पब्लिश कर सकते हो। वैसे इसमें आपको 30 डेज के लिए 19.95 पर मंथ की मेंबरशिप लेनी पड़ेगी और इतना पे आउट करना पड़ेगा हर महीने अगर आप अपनी बुक को इस प्लेटफॉर्म पे लिस्ट करना चाहते हो। लेकिन यहाँ पे भी ट्रैफिक बहुत सारा आता है तो लगभग तो आप 19.95 रुपए देके, तो अगर आपको इस प्लेटफॉर्म पे कुछ पब्लिश करना है तो यार आपको काफ़ी हाई क्वालिटी कंटेंट पब्लिश करना पड़ेगा क्योंकि आपको अपनी ये जो मंथली फी है वो भी रिकवर करनी है और साथ ही साथ प्रॉफिट भी करना है। तो ये भी एक काफ़ी अच्छा प्लेटफॉर्म हो गया, लेकिन ये प्लेटफॉर्म सिर्फ उन्हीं के लिए जो कि एकदम प्रोफेशनल है, जो कि बहुत ही सही ढंग से और बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से किताब लिखते हैं और जिनकी किताब पे हज़ारों सेल आने के चांसेस रहेंगे उनके लिए ये प्लेटफॉर्म है। तो आप अगर चाहे तो इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगला प्लेटफॉर्म आ जाता है जो कि बहुत फेमस नाम है बुक्स के मामले में, उनका नाम है बांस एंड नोबेल। यहाँ पे आप बहुत सारी बुक्स देख सकते हो, यहाँ पे बहुत सारा ट्रैफिक बुक्स पढ़ने भी आता है और यहाँ पे आप अपनी बुक सेल भी कर सकते हो। तो ये भी बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, ऑलमोस्ट अमेज़न के बाद यही वो प्लेटफॉर्म है जो कि बहुत ज़्यादा फेमस है और जहाँ पे बहुत सारी बुक सेल होती है। तो आप इस प्लेटफॉर्म का भी यूज़ कर सकते हो अपनी बुक को सेल करने के लिए। यहाँ पे आप प्रिंटेड बुक सेल कर सकते हो, चाहो तो ई बुक सेल कर सकते हो और भी कई सारे ऑप्शंस, आपको सारे के सारे ऑप्शंस यहाँ पे इसमें मिल जाते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट पे चले जाते हैं। तो नेक्स्ट आ जाता है kobo.com। kobo.com पे भी बहुत ज़्यादा ट्रैफिक आता है, ये भी एक अमेज़न की तरह प्लेटफॉर्म है। इस पे भी अगर आप एक बार अपनी बुक अपलोड करते तो आपको ज़्यादा प्रमोट करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इस प्लेटफॉर्म पे भी बहुत ज़्यादा ट्रैफिक आता है जिस तरह अमेज़ॉन पे आता है। यहाँ पे अगर आपकी बुक को एक आध बार अच्छी रेटिंग मिल जाए तो आपकी बुक बहुत ज़्यादा सेल हो सकती है। तो ये भी एक काफ़ी कमाल का प्लेटफॉर्म है, प्राइस मैटर नहीं करती, आपको एक अच्छी क्वालिटी की बुक अपलोड करनी पड़ेगी तो आपको सेल्स ज़रूर मिलेंगे ही मिलेंगे। तो अगले प्लेटफॉर्म पे आ जाते हैं। ये एक PLR वेबसाइट है, इसका नाम है tradebit.com। यहाँ पे भी आप अपनी बुक को सेल कर सकते हैं और पूरा का पूरा प्रॉफिट आपको यहाँ पे मिल जाता है अपनी बुक का।
तो ये भी एक काफी अच्छा प्लेटफॉर्म है। यहाँ पे लोग PLR बुक्स ढूंढने आते हैं जिन्हें वो रिपब्लिश कर सके, लेकिन यहाँ पे अगर आप अपनी बुक पब्लिश कर सकते करते हो तो आपको उसके रीसेल राइट्स भी बेचने पड़ेंगे। साथ ही साथ जो भी यहाँ से खरीदार आपकी बुक खरीदेगा वो आपकी बुक के रीसेल राइट्स भी खरीदेगा और वो आपकी बुक रीसेल कर सकता है अगर आप इस प्लेटफॉर्म पे अपनी बुक बेचते हो तो ये भी एक अच्छा प्लेटफॉर्म है जिसका आप इस्तेमाल कर सकते हो। अगला प्लेटफॉर्म आ जाता है lulu.com। यहाँ पे ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें कई सारे प्लेटफॉर्म्स इंटीग्रेटेड हैं, तो मतलब कि अगर आप lulu.com पे एक बार अपनी बुक पब्लिश करते हो तो वो अमेजोन पे भी पब्लिश हो जाती है और भी एप्पल आई बुक्स और ऐसे 3-4 प्लेटफॉर्म्स है जिन पे एक साथ आपकी बुक पब्लिश हो जाती है। मतलब कि आपको सिर्फ एक ही जगह अकाउंट बनाना है और आप कई जगह पे अपनी बुक को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, कई सारे प्लेटफॉर्म्स पे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। तो ये काफी कमाल हो जाता है lulu.com का कि यार एक जगह साइन अप करो और 3-4 जगह बुक्स को पब्लिश कर दो, तो ये भी बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म हो सकता है आपके लिए। अगला प्लेटफॉर्म आता है blurb.com। अगर आपको ईबुक बनानी है प्लेटफॉर्म पे तो आप यहाँ पे ईबुक बना सकते हो, उसके बाद पब्लिश कर सकते हो, तो ये आपको ऑफर मिल जाता है, कई टेम्पलेट्स मिल जाते हैं, सब कुछ मिल जाता है यहाँ पे और आप चाहो तो यहाँ पे अपनी बुक को पब्लिश भी कर सकते हो, तो ये भी काफ़ी अच्छा प्लेटफॉर्म है। यहाँ पे सिर्फ ई बुक्स ही नहीं, आप फोटो बुक्स भी सेल कर सकते हो, ट्रेड बुक्स भी सेल कर सकते हो, मैगजीन सेल कर सकते हो, कई सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, सिर्फ एक दो ऑप्शन नहीं है। तो ये काफ़ी ओवर द ऑलराउंड प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप कई सारी अलग अलग टाइप की किताबें सेल कर सकते हो। अगला प्लेटफॉर्म आ जाता है payhip.com। यहाँ पे आप डिजिटल प्रोडक्ट्स सेल कर सकते हो, तो उसमें ईबुक्स भी शामिल है, तो आप उनका इस्तेमाल कर सकते हो और यहाँ पे कई सारे सेलर्स और बायर्स मिल जाते हैं, तो ये भी एक काफ़ी अच्छा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप अपनी डिजिटल ईबुक को सेल कर सकते हो। और लास्ट में और सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म की बात करें तो यार कभी नहीं भूला जा सकता ऐसा प्लेटफॉर्म है, वो है किंडल बुक्स। तो यहाँ पे आप kdp.amazon.in यानी कि इंडिया में भी आप सेल कर सकते हो और .com पे भी सेल कर सकते हो, यानी कि ऑल ओवर द वर्ल्ड भी सेल कर सकते हो अपनी बुक्स को। और यहाँ पे अगर आप बुक पब्लिश करते हो तो आपको उसे ज़्यादा प्रमोट करने की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती क्योंकि Amazon की इतनी बड़ी ऑडियंस साइज है, आपको कुछ ना कुछ ट्रैफिक तो यहाँ से मिल ही जाएगा। लेकिन मैं रिकमेंड करता हूँ कि यार आप भले ही Amazon पे भी पब्लिश करें फिर भी आपको प्रमोट तो करनी ही चाहिए अपनी बुक ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आप सेल जनरेट कर सके और प्रॉफिट कमा सके। तो यार Amazon भी आ गया और भी ऐसे सारे और भी कई सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, मगर ये कुछ मेन बड़े प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे आपकी बुक की सेल्स होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, इसीलिए मैंने ये लिस्ट बनाई है 10 ऐसे प्लेटफॉर्म्स जहाँ पे आप ई बुक सेल कर सकते हैं। तो ये थे वो 10 प्लेटफॉर्म जिनकी वजह से आप ईबुक बनाकर सेल कर सकते हो। आप इजीली ईबुक बना सकते हो। अगर आपको ईबुक बनाना नहीं आता तो आप fiverr.com पे या तो फिर upwork.com पे ऐसी कई वेबसाइट्स है जहाँ पे आप $10 से $20 पे करके एक ईबुक बनवा सकते हो और उन्हें वहाँ पे सेल कर सकते हो। इन 10 प्लेटफॉर्म से जो भी प्लेटफॉर्म आपको पसंद आया हो उस पे आप सेल कर सकते हो। कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जिन पे अगर आप सेल करते हो इन 10 की लिस्ट में तो वहाँ पे आपको प्रमोट करने तक की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि उन प्लेटफॉर्म से बहुत ज़्यादा ऑडियंस है, तो आपकी बुक सेल होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं और बहुत ही सिंपल है इन प्लेटफॉर्म्स पे काम करना। तो यार ज़रूर से आप इन प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल कीजिएगा अपनी ई बुक को सेल करने के लिए और आप इससे डेफिनेटली पैसिव इनकम करोगे और बहुत सारा प्रॉफिट कमा सकते हो। इस इनकम को एक बार आपने बुक पब्लिश कर दी उसके बाद हमेशा वो इनकम आती रहेगी, आपको उसके लिए कोई मेहनत करने की ज़रूरत नहीं, तो इसे पैसिव इनकम कहा जाएगा। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।